इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन के 40वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ने 19.2 ओवर में 4 विकेट पर 193 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। उसके 11 मैच में 14 अंक हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स के 10 मैच में 14 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर दिल्ली की टीम पहले नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स के 6 अंक हैं, वह 10 में से सिर्फ 3 मैच ही जीत पाई है। वह अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। पंत ने आईपीएल में अपना 10वां अर्धशतक लगाया। दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 72 रन बनाए। पंत ने 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 26 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका इस सीजन का दूसरा और ओवरऑल 10वां अर्धशतक है। धवन सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर। दिल्ली की ओर से आउट होने वाले बल्लेबाज अभिषेक फेन, रदरफोर्ड, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और शिखर धवन रहे। धवन ने 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका सीजन का चौथा और ओवरऑल 36वां अर्धशतक है। वे आईपीएल में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में विराट कोहली, सुरेश रैना और गौतम गंभीर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंचे। धवन ने 27 गेंद पर 54 रन बनाए। वे श्रेयस गोपाल की गुगली पर चकमा खा गए और विकेटकीपर संजू सैमसन ने उन्हें स्टंप कर दिया। वे जब आउट हुए तब दिल्ली के 7.3 ओवर में 72 रन बने थे। श्रेयस अय्यर 5 गेंद पर 4 रन ही बना पाए। उन्होंने रियान पराग की गेंद को पुल किया, लेकिन शॉट पूरी तरह से बल्ले पर आया नहीं और डीप मिड विकेट पर बेन स्टॉक्स ने उनका कैच पकड़ लिया। वे जब आउट हुए तब दिल्ली के 8.5 ओवर में 77 रन थे। पृथ्वी शॉ ने 39 गेंद पर 42 रन बनाए। वे श्रेयस गोपाल की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश में रियान पराग के हाथों लपके गए। वे जब आउट हुए तब दिल्ली के 16.4 ओवर में 161 रन थे। रदरफोर्ड 11 रन बनाकर आउट हुए। धवल कुलकर्णी की गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर रियान पराग ने उनका कैच पकड़ा। वे जब आउट हुए तब दिल्ली ने 18 ओवर में 175 रन बना लिए थे। रहाणे ने 7 साल बाद शतक लगाया। इससे पहले दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए। उसकी ओर से पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा नाबाद 105 रन बनाए। रहाणे ने 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 58 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 32 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया था। यह उनका सीजन का पहला और ओवरऑल दूसरा शतक है। उन्होंने आईपीएल में अपना पहला शतक 2012 में लगाया था।